नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नव्यम वॉक्स में और मैं हूं आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट कनिष्का सिंह। आज हम बात करने वाले हैं मेंस हेल्थ सीरीज के बारे में। तो ये मेंस हेल्थ सीरीज का पहला एपिसोड है। जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहें और अपनी हेल्थ का वो ज़्यादा बेहतर ध्यान रख सकें। आज हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में। जी हाँ, प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज जो मेंस में हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो पहले सिर्फ ओल्डर मेंस में पाए जाते थे वो अब यंगर मेंस में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं और इसकी जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए प्रोस्टेट हेल्थ पे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि डिमांड करते हैं अपने डाइट प्लान्स फॉर इम्प्रूविंग देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम बात करते हैं प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में और पहले जान लेते हैं प्रोस्टेट होती क्या है। प्रोस्टेट जो होती है वो एक छोटी सी वॉलन साइज ग्लैंड होती है जो कि ब्लैडर और पेनिस के बीच में से पाई जाती है। इस ग्लैंड के बीच में से आपकी यूरिथ्रा पास होती है। यूरिथ्रा होती है जो आपकी पेशाब की नली होती है। उस यूरिथ्रा की वजह से जो आप मेंस में सीमेन इजैकुलेशन का पाथवे होता है और यूरिन का पाथवे होता है वो एक ही होता हो जाता है। इसलिए अगर आपके प्रोस्टेट अफेक्टेड है तो आपकी इनडायरेक्टली आपके यूरिन में भी इशूज़ आएंगे या रीनल इशूज़ आपको लेटर स्टेजेस में डेवलप हो जाएंगे। ये जो ग्लैंड है ये मेंस के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, उनके रिप्रोडक्टिव इश्यूज के रिगार्डिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो ग्लैंड है इसमें एक फ्लूइड बनता है जो कि ये ग्लैंड सिक्रीट करती है जिसे कि हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है या प्रोस्टेट फ्लूइड होता है ये आपके सीमेन का जो मिल्की वाइट कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ये जो फ्लूइड होता है ये अदर कॉम्पोनेंट्स प्लस स्पर्म के साथ मिलने के उस ओवरऑल सीमेन को एक मिल्की वाइट अपेयरेंस देता है। अब ये जो फ्लूइड है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्या काम करता है ये, काम क्या कर, सबसे पहला काम ये करता है कि ये जो भी नरिशमेंट आपके स्पर्म को मिल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि स्पर्म जो भी नरिशमेंट पा रहा है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन पा रहा है वो आपके इस फ्लूइड की वजह से होता है। तो सबसे पहला काम इस फ्लूइड का है नरिशमेंट देना स्पर्म को। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है आपके सीमेन को और आपके स्पर्म को, ठीक है, ताकि उस पर वो फ्रिक्शन ना हो और वो डैमेज ना हो। और तीसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है प्रोटेक्शन का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिक्स्ड अप होती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो आपका स्पर्म है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो सीमेन का जो परसेंटेज है, ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये 1/3 ऑफ द टोटल सीमेन आपका बनाता है। यानी कि सीमेन का 1/3 पोर्शन जो होता है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। तो 1/3 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसीलिए ये जो प्रोस्टेट या प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस हेल्थ रिप्रोडक्टिव पर्सपेक्टिव में। अब मेंस ये में ये जो फ्लूइड पाया जाता है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, इसमें क्या क्या मिनरल्स होते हैं, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें मेजरली 3 मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। ये 3 मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन 3 मिनरल्स के अलावा ये पोटेशियम एक मिनरल होता है वो भी आपके स्पर्म को प्रोवाइड करता है। तो ये 4 मिनरल्स जो होते हैं वो स्पर्म के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस फ्लूइड का
और इस ग्लैंड का इम्पोर्टेंस मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन मिनरल्स के अलावा आपके जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है उसमें एक और चीज़ पाई जाती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो है प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि PSA। ये PSA ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या काम करता है? सबसे पहला काम ये करता है कि आपके जो फ्लूइड है यानी कि जो आपका सीमेन है वो क्या होता है, वो जेल टाइप का होता है, ठीक है। तो जब तक वो बॉडी के अंदर रहता है वो फ्लूइड स्टेट में रहता है, और जैसे ही वो बॉडी से बाहर निकला और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आया तो वो क्या होता है, वो जेल हो जाता है, वो जेल कंसिस्टेंसी का होने लगता है। अगर वो जेल कंसिस्टेंसी का होने लग गया तो वो आगे जो उसका काम है, जो उसका चीज़ें हैं वो नहीं कर पाएगा, और उसमें जो प्रेजेंट स्पर्म है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो इस PSA की वजह से उसकी जो लिक्विड स्टेट होती है वो मेंटेन रहती है, यानी कि ये PSA जो है आपके सीमेन में आपका लिक्विफाइंग कंडीशन को मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा लुब्रिकेशन का काम होता है उसका, ये भी काम करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने प्रोस्टेट की ध्यान रखें। अब हम ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट इश्यूज हमारे बढ़ गए हैं। सबसे पहला और बहुत कॉमन इशू है जो कि हम मेंस ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, वो है, और वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज इज कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा बड़ा मेजर कॉज है आपकी प्रोस्टेट इश्यूज के लिए। जितना ज़्यादा आपका गट कॉन्स्टिपेटेड रहेगा उतने ही आपका जो है प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज बढ़ने शुरू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन। दूसरा मेजर कारण, अगेन हम सब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा होता है, या वर्क के अलावा भी जो हमारा सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा आर्स का हो जाता है, चाहे हम किसी भी वजह से रहें। लोग लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, लोग लोग लॉन्ग लॉन्ग वर्किंग आर्स में रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह जो सिटिंग फैक्टर है, ठीक है, अर्गोनॉमिक फैक्टर है ये, जिसकी वजह से आपका प्रोस्टेट पे प्रेशर बढ़ता है और आपके प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगते हैं। और इन्हीं दो कारणों की वजह से जो यंगर एडल्ट्स हैं, यंग मेंस हैं, उनमें प्रोस्टेट हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी हेल्थ एज बढ़ती है, आपकी जो पेल्विक रीजन होता है वो कमज़ोर होता जाता है, वो वीक पड़ता जाता है, और उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घटती जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोस्टेट इशू है वो बढ़ जाता है। तो तीसरा कारण यह है कि एज बढ़ने की वजह से आपका पेल्विक रीजन का कमज़ोर होना और फ्लेक्सिबिलिटी घटना, ठीक है। और इसके अलावा आपका पुअर नरिशमेंट, अगर आप डाइट ठीक से नहीं ले रहे हैं, डाइट भी फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अगर ठीक से नहीं खा रहे हैं, ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी पेल्विक रीजन को मजबूत नहीं बना रखा, तो आपको प्रोस्टेट हेल्थ इश्यूज ज़रूर होंगे। तो आज की तारीख में मेंस में इतने ज़्यादा इश्यूज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मेंस इन सब चीज़ों में इग्नोरेंट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होने लगे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप और क्या जानना चाहते हैं इस प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में और मेंस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, वो हमें बताएं ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव में प्रोस्टेट हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव हैं जो कि प्रोस्टेट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे वीडियोस और लाते रहें। धन्यवाद।